नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बच। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीआई के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और ये बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई आपको देखने को मिल सकते हैं, सभी को इस वीडियो में हम टाइप वाइज कवर करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा। ये वीडियो से आप लोग को निश्चित रूप से 5 नंबर तो मिल जाएगा, हो सकता है इस बार 10 नंबर का भी डीआई आ जाए, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले जैसा 5 नंबर का अब डीआई नहीं पूछा जा रहा है, तो मे भी इस बार 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो डीआई का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों पहले टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। पहले टाइप के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि टेबुलर डीआई है। यहाँ पे आपको मोबाइल फोन सेलर दिए हुए हैं 5 PQRST, और 7 दिन में ये कितने मोबाइल बेचते हैं मंडे से लेकर संडे तक में, वो डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ ए मोबाइल फोन सोल्ड बाई पी एंड आर टूगेदर ऑन मंडे टू मोबाइल फोन सोल्ड बाई SNT ऑन वेडनेसडे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को पहले क्या करना है, पी और आर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पी प्लस में आर, क्या लिखेंगे, पी प्लस में आर, पी प्लस में आर कब का, मंडे का, ठीक है ना। पी और आर का मंडे का डेटा मांगा है ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 40 40 प्लस में 80 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप निकालेंगे कब का, उसी तरह निकालेंगे यहाँ पे टू द मोबाइल फोन सोल्ड बाई SNT ऑन वेडनेसडे। एस और टी कब का निकालना है, वेडनेसडे का निकालना है, तो वेडनेसडे का निकाल लीजिएगा एस और टी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 58 हो जाएगा। तो 12 प्लस में 58 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब 120 में से क्या कीजिए, 120 में से 70 को घटा दीजिएगा, 50 हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई क्यू ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को क्यू कितना बेचता है मोबाइल फोन, एंड सैटरडे, मंगलवार और शनिवार को निकालना है। और यहाँ पे देखेंगे टुगेदर टू द मोबाइल फोन सोल्ड बाई आर ऑन थर्सडे एंड संडे टुगेदर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि क्यू का निकालना है आपको, क्यू का कब का निकालना है, क्यू का निकालना है मंगलवार, ट्यूजडे प्लस में, ट्यूजडे प्लस में सैटरडे का आपको निकालना है। तो ये डेटा ध्यान से देखिएगा, ट्यूजडे प्लस में सैटरडे का आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास है 92 प्लस में 98, ये कितना दिया है, 92 प्लस में 98, ये हो जाएगा 190, कितना हो जाएगा, 190। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद आर का ट्यूसडे और संडे का थर्सडे लिखा हुआ है, आर का थर्सडे लिखा हुआ है ना, थर्सडे लिखा हुआ है और प्लस में संडे लिखा हुआ है, संडे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है आपके पास है, 13 प्लस में 47 दिया है, 13 प्लस में 47, डेटा आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सिंपल आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, किसका किसके साथ रेशियो निकालना है, 190/160 है, 10 से 10 मतलब ये रेशियो आ जाएगा 19:6 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 19:6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, केवल आपको रेशियो निकालना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मोबाइल फोन सोल्ड बाई पी एंड एस टूगेदर ऑन वेडनेसडे, मोबाइल फोन सोल्ड बाई पी एंड एस टूगेदर वेडनेसडे को देखिएगा, पी और एस वेडनेसडे को कितना सोल्ड करते हैं ये निकालना है। पी प्लस में एस लिखेंगे कब का, वेडनेसडे का, ठीक है ना, कब का, वेडनेसडे का हमने लिख दिया, तो ये कितना सोल्ड करते हैं पी और एस, ठीक है, ये निकालना है। इज व्हाट परसेंट ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई टी ऑन संडे, टी का संडे को निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, पी और एस का निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 48 प्लस में 12, मतलब ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और टी ऑन संडे देखेंगे तो ये हो गया 15 दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, टी ऑन संडे कितना लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है इस 60 का, पी और एस वेडनेसडे का परसेंटेज निकालना है, टी का संडे के साथ है, गुना में 100 कीजिएगा, आराम से निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं, कैलकुलेशन भी आपको ज्यादा हार्ड देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पूछा गया कि व्हाट इज द एवरेज मोबाइल सोल्ड बाई क्यू ऑन वेडनेसडे, क्यू ऑन वेडनेसडे
टी ऑन संडे, पहले देखना होगा क्यू ऑन वेडनेसडे कितना है, तो क्यू ऑन वेडनेसडे हो जाएगा 27 पॉइंट। ठीक है, डेटा आपके लिए मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा गया है, टी ऑन संडे, तो टी संडे को कितना है, टी संडे को कितना है देखिए, तो टी संडे को हो जाएगा 15, अभी हमने यूज किया था। उसके बाद पूछा गया है यहाँ पे तीसरे में एस ऑन मंडे, एस मंडे को, एस मंडे को कितना है, एस मंडे को कितना है, तो एस मंडे को हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कीजिए, इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो 102 निकल जाएगा। अब तीन से भागा दे दीजिए तो ये आ जाएगा 34। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन दोस्तों कितना आसान है, कितने आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चन को बना रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये। आगे क्या पूछा गया देखिएगा, द मोबाइल फोन सोल्ड बाय पी ऑन ट्यूजडे आर टू टाइप। ठीक है, पी थर्सडे को दो टाइप के बेचे गए, दैट इज विंडोज फोन और एंड्रॉयड फोन बेचे गए, उनका रेशियो कितना है। यहाँ से मैं लिखता हूँ विंडोज फोन एंड्रॉयड फोन, तो विंडोज और एंड्रॉयड का रेशियो यहाँ दिया हुआ है 3:4। इस रेशियो में बेचा गया कौन सा मोबाइल, पी को, तो यहाँ ब्रैकेट में पी लिख लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ विंडोज फोन सोल्ड बाई पी ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को देखिए पी कितना बेचा गया, थर्सडे को पी बेचा गया यहाँ पे 28 बेचा गया है, 28 बेचा गया है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है कि विंडोज फोन, नंबर ऑफ विंडोज फोन, तो विंडोज फोन का कितना हिस्सा है, तीन हिस्सा है, टोटल कितना हिस्सा है, सात हिस्सा है, सात चौके हो जाएगा, मतलब 12 जो फोन है ना वो विंडोज बेचे गए हैं किस दिन, थर्सडे को दिन, बृहस्पतिवार के दिन का ये डेटा दिया हुआ है 12, जो कि आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो मैं इस चीज को क्या करता हूँ नीचे लिखता हूँ, 12 विंडोज फोन बेचे गए हैं कब, थर्सडे को, 12 विंडोज फोन बेचे गए हैं थर्सडे को। ठीक है, अभी आप लोग को दिख रहा है, अब देखिएगा आगे। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया, अब हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे डेटा। अब दोस्तों अगले टाइप के डीआई को देखिएगा, इसमें आपको तीन कंपनी दिए हुए हैं, तीन प्रोडक्ट दिए हुए हैं, उनका ऑर्डर लिया जाता है, तीन कंपनी पी क्यू आर है और तीन प्रोडक्ट एबीसी है। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि टोटल ऑर्डर ऑफ आइटम ए एंड बी रिसीव बाई आर इज हाउ मच मोर देन टोटल आइटम बी एंड सी रिसीव बाई क्यू। तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले किसके द्वारा, ए और नहीं, पहले किसके द्वारा, आर के द्वारा ए और बी का निकालना है, ए और बी, ए बी का निकालना है, तो कितना रिसीव किया जाता है, 80 प्लस में 100, कितना 80 प्लस में 100, मतलब ये हो जाएगा 180 प्रोडक्ट रिसीव होते हैं ऑर्डर। उसके बाद हम लोग को करना है क्या है, उसके बाद हम लोग को लिखा हुआ है क्यू का, क्यू का बी और सी, क्यू का क्या निकालना है, बी और सी, क्यू का क्या निकालना है, बी और सी। अब बी और सी निकालना है क्यू का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 प्लस में 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 70 प्लस में 90 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा, मतलब 160 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 160 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 180 में से 160 को घटाइएगा, 180 में से 160 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मतलब 20 ज्यादा है, दोनों का गैप निकाल देना था 20। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, जब भी ज्यादा हो कम हो तो क्या करना होता है, गैप निकालना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फाइंड द टोटल ऑर्डर ऑल थ्री आइटम रिसीव बाय आर इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल ऑर्डर ऑल थ्री आइटम रिसीव बाय क्यू। मतलब क्यू का तीनों ऑर्डर, आर का तीनों ऑर्डर, तीनों को पहले ऐड करना है, फिर कितना ज्यादा है क्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग को परसेंटेज निकालना है। तो आर का पहले देखिए, आर का मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि डेटा टेबल बहुत ही आसान है, आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि आर का ऑर्डर कितना है तीनों कंपनी से, मतलब तीनों कंपनी से, तीनों प्रोडक्ट का, तो 80 प्लस में 100 प्लस में 30, ये आर का ऑर्डर हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, आर का ऑर्डर हो गया 210। और क्यू का ऑर्डर कितना हो जाएगा, क्यू का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस में 70, 40 प्लस में 70 प्लस में 90। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 200 हो जाएगा। अब दोनों के गैप पे कितना है, 10 हो जाएगा, दोनों का गैप 10 हो जाएगा, परसेंटेज निकालिएगा, 10 बटे में क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कट गया और यहाँ पे 5 बार में ये कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को भी काफी आसानी से बना लिया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड दी
फाइंड रेशियो ऑफ टोटल ऑर्डर ऑफ आइटम ए एंड बी रिसीव बाय पी टू द टोटल आइटम बी और सी रिसीव बाय क्यू। मतलब क्यू के द्वारा बी और सी का ऑर्डर और पी के द्वारा ए और बी का ऑर्डर जो होगा उनका रेशियो निकाल देना, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पी का ए और बी के द्वारा जो ऑर्डर रिसीव किया गया उसको हम लोग लिखते हैं, पी का ए और बी के द्वारा जो ऑर्डर रिसीव किया गया 80 प्लस में 60 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता चल गया 80 प्लस में 60 हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 80 प्लस में 60, और ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग को देखना है क्यू का क्या हो जाएगा, बी और सी। तो यहाँ पे क्यू का बी और सी हो जाएगा 70 प्लस में 90 हो जाएगा, 70 प्लस में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 70 प्लस में 90 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद रेशियो निकाल देना है। तो 14 140 बाई कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 10 से 10 कटेगा, मतलब 7:8 आपका रेशियो निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप चाहे तो 30 सेकंड में बना सकते हैं या मैक्सिमम 40 सेकंड में तो बन सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फाइंड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ आइटम बी रिसीव बाय क्यू एंड आर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ऑर्डर ऑफ आइटम ए रिसीव बाय क्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यू और आर के द्वारा बी का ऑर्डर निकालते हैं। तो क्यू और आर के द्वारा बी का ऑर्डर, तो देखिएगा बी का ऑर्डर निकालना है हम लोग को क्यू आर के द्वारा बी का ऑर्डर। तो क्यू आर के द्वारा बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा पहले देखिएगा। तो यहाँ पे 70 प्लस में 100 हो जाएगा, 70 प्लस में 100, डेटा टेबल देखिए 70 प्लस में 100 मतलब 170 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्यू आर के द्वारा इसका एवरेज भी निकालना है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है, मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज किसका किसके साथ निकालना है, देखते हैं किसका किसके साथ है। ये जो एवरेज आया इस एवरेज का किसके साथ परसेंटेज निकालना है, देखिएगा ऑर्डर ऑफ आइटम ए रिसीव बाय पी, तो वो कितना 80 दिया हुआ है। पी के द्वारा ए का जो ऑर्डर रिसीव किया गया वो 80 है, गुना में 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, 10 से 10 कटेगा। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे काट के अगर ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है, मैं सीधा आंसर लिखता हूँ यहाँ पे 106 फ्रैक्शन 1/4 प्रतिशत हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आप लोगों को दिख रहा होगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, काफी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द टोटल ऑर्डर ऑफ ए बी सी रिसीव बाय पी, ए बी सी रिसीव बाय पी आपको निकालना है। टोटल ऑर्डर ए बी सी रिसीव बाय पी, इनका क्या करना है, एवरेज निकालना है कि टोटल निकालना है पी के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा आप ऐड कर दीजिए 80 प्लस में 60 प्लस में 50 मतलब 190 हो जाएगा, सीधा तो लिखा हुआ है ना, तो 190 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 80 प्लस में 60 प्लस में 50 हो जाएगा पी के द्वारा ए बी सी का ऑर्डर जो रिसीव किया गया। तो देख सकते हैं कि ये तो तुरंत 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको फंसाने वाले होते हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं। जो 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन जो काफी इजीली बन जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको फंसाएगा। चलिए अगला देखिएगा, पाई चार्ट हमारे सामने आ चुका है, और पाई चार्ट का दोस्तों अच्छा क्वेश्चन होता है। देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिएगा पाई चार्ट। यहाँ देखिएगा टोटल बुक सोल्ड होता है, 4 अलग अलग शॉपकीपर है वो सोल्ड करते हैं, 4 5 5 अलग अलग शॉपकीपर है। तो यहाँ देखिएगा इफ नंबर ऑफ फीमेल बाउट, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ नंबर ऑफ फीमेल बाउट द बुक इन स्टोर ई इज 20 मोर देन नंबर ऑफ मेल, मतलब मेल मान लीजिए एम है, मेल कितने एम है, तो एम से 21 ज्यादा है फीमेल। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि 20 मोर देन द नंबर ऑफ मेल हु बाउट द बुक सेम स्टोर हो जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु बाउट बुक स्टोर ई, ई से जो बुक खरीदते हैं उनके बारे में हम लोग को टोटल नंबर निकालना है। तो ई से अगर मान लीजिए कि मेल और फीमेल दोनों निकाल ले, तो मेल फीमेल दोनों कितना निकल जाएगा ई से केवल, तो 22% ऑफ है 550, 22% ऑफ कितना हो जाएगा 550, 10 से 10 पाँच से कटेगा, 5 से 2 हो जाएगा 11 बार में, और ये भी 11 बार में, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब इस इक्वेशन में क्या कीजिए ना, इस वाले इक्वेशन में दोनों तरफ एफ को ऐड कर दीजिए, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा स्पेस लेके लिखे तो फीमेल यहाँ भी ऐड कर दिए, फीमेल यहाँ भी ऐड कर दिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेल फीमेल आ जाएगा, और यहाँ से फीमेल प्लस में फीमेल टू फीमेल हो जाएगा। तो टू फीमेल इक्वल टू में यहाँ पर लिखिएगा टू फीमेल इक्वल टू में मेल प्लस में फीमेल, मेल प्लस में फीमेल प्लस में 21, जो कि कितना दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है टू फीमेल इक्वल टू में कितना हो जाएगा, टू फीमेल इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ पे, टू फीमेल इक्वल टू में 121 हो जाएगा, प्लस में 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ से मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 142 बटे में दो मतलब 171 हो जाएगा, मतलब फीमेल कितनी हो जाएगी, 71 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने काफ़ी आसानी से बना लिया। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने 71 निकाल लिया फीमेल। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ऑप्शन में भी आप लोगों को 71 दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पाई चार्ट का। ठीक है, दो हमने टेबुलर बनाया, अब एक पाई चार्ट है। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ डी, डी का हम लोग को क्या करना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डी का सेंट्रल एंगल, यहाँ डी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लिखने के बाद यहाँ डी लिखेंगे और ये डी में कितना परसेंट है, यहाँ 32% लिखा हुआ है डी का, और गुना में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एक सर्कल कितने का होता है, 360 का। तो 360 का 32% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 115.2 डिग्री हो जाएगा, 115.2 डिग्री हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी कितना आसान है और कितने आसानी से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल बुक सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर टू द टोटल बुक सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर। ठीक है, तो जो लंबा क्वेश्चन होगा उसको स्किप कीजिएगा। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पांचों के पांचों आसान आएंगे, बहुत जल्दी बना सकते हैं, बट स्किप भी करना सीखिएगा। What is the ratio of total number of books sold by A and C together? अब A और C together आपको निकालना है, तो A और C को add कीजिए और percentage निकालिए। तो A और C का कितना निकलेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ A और C, तो ये हो जाएगा 34%। ठीक है, 34% A और C को add कीजिए, 18 और C कितना है यहाँ पे 16, तो 34% है किसका, 550 का, 34% 550 का। एक बताऊंगा उसके बाद तो आसानी से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 50 से काटेंगे इसको, सब जगह 100 आएगा परसेंटेज का, 50 दुना आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 से 11, ठीक है ना, 110 आ जाएगा, नहीं 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और ये 17 बार में, मतलब ए और सी का कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आगे पूछा गया है कि इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, डी और ई के साथ, जो किताब सोल्ड होता है। तो डी प्लस में ई का पहले ऐड कीजिए, तो D और E का ऐड कीजिएगा, तो D का देखिए 32 है और E का कितना है, 22 है, मतलब ये दोनों ऐड होके 54 हो जाएगा, 54 का आधा कीजिएगा 27 हो जाएगा, बस 27 को 11 से गुना कर दीजिए, ये 11 आ गया ना, तो 11 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 307 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो इतना भी नहीं करना था, ये 11 को हटा दीजिए, ये 17 को केवल याद रखिए और ये 27 को केवल याद रखिए, और रेशियो को लिख दीजिए 17 और 27 लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए 17:27 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हमने बना लिया, क्योंकि 550 तो दोनों के पास है, तो उसको हम क्यों लिखेंगे, सीधा 34 का रेशियो हम क्या करेंगे, 54 के साथ निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना भी आप लोगों को नहीं करना है, सीधा ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि 550 दोनों में कॉमन है। चलिए आगे देखिएगा, अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ बुक सोल्ड बाई ए ई, ए और ई का देखिएगा, तो ए प्लस में ई कितना हो जाएगा, देखिएगा तो 40 हो जाएगा, 40 का आधा कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा उसका आधा करना और 11 से गुना करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा था क्यों 11 से गुना करना है, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज का 100 होगा, 50 से कट जाएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ पे देखिएगा 11 से हमने गुना किया, और फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि डिफरेंस निकालना है, यहाँ रेशियो नहीं निकालना है, और किसका निकालना है, सी और डी का निकालना है। तो सी प्लस डी कीजिए, सी और डी कीजिएगा, 48 हो जाएगा, 48 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, गुना में 11 कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग घटा के देखेंगे तो ये हो जाएगा 220 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। दोनों को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, दोनों का एवरेज भी तो निकालना है, इसका एवरेज कितना आ जाएगा, इसका एवरेज 110 आ जाएगा, और इसका औसत कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो
110 को 132 में से घटा देंगे तो 132 माइनस में क्या हो जाएगा 110, यही काम करना था, दोनों का एवरेज निकाल के घटाना था, मतलब 22 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ भी कैलकुलेशन बहुत कम है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं और भी इससे भी छोटा कर सकते हैं, बट मैंने किया नहीं। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे टाइप चेंज हो जाता है तो हम DI को भी चेंज कर लेते हैं, पाई चार्ट बनाने के बाद हम देख लेते हैं कैसलेट DI। दोस्तों आजकल ये पूछा जा रहा है, मुझे याद है कि 2019 में ग्रामीण बैंक में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीलिम्स में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। तो कैसलेट DI भी आप लोग देख के जाइएगा कि अगर गलती से पूछ दिया गया तो आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसलेट DI बहुत अच्छा होता है, कैसलेट DI। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसलेट DI। ठीक है, देखिएगा कैसलेट DI में क्या दिया है, फाइंड ए नंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कैसलेट DI का, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 5 डिपार्टमेंट इन ए कंपनी, देयर आर ए टोटल 90 एम्प्लॉई इन ए फाइनेंस विच इज 25% ऑफ टोटल। मतलब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। टोटल मान लीजिए टी हो गया, और ये पहला लाइन क्या बोला गया, विच इज 25% ऑफ टोटल, मतलब इसका 25% क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 25% क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से टोटल क्या निकलेगा, टोटल निकल जाएगा 360 निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिए टोटल 360। डेटा हमें बहुत जगह चाहिए होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो टोटल हमने निकाला। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टोटल हमने निकाल लिया, 360 निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है, देयर आर टोटल 90 एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ये भी लिख लीजिए कि फाइनेंस में कितना है, जिसमें से 90, फाइनेंस में कितना है 90। तो यहाँ जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, 90 एम्प्लॉय है फाइनेंस में। उसके बाद अगर देखें हम लोग तो एक एक डेटा को निकालना होगा, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को बनाना होगा। तो क्वेश्चन आसान है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 2/9 ऑफ टोटल एम्प्लॉय आर वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट में कितना है, HR डिपार्टमेंट में कितना है, 2/9, 2/9 ऑफ 360, 2/9 ऑफ 360 मैं काट के डायरेक्ट लिखूंगा, 80 हो जाएंगे। मतलब HR में कितने, 80 एम्प्लॉई है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद HR में 80 एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट इज 25% मोर देन HR डिपार्टमेंट सेल्स में। ठीक है, सेल्स में 1/4, 25% का क्या मतलब, क्या होता है 1/4, मतलब 20 एम्प्लॉई है सेल्स में। कितने एम्प्लॉई है, 20 एम्प्लॉई है सेल्स में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 25 मोर देन, मतलब 20 ज़्यादा है, मतलब टोटल 100 एम्प्लॉई होंगे। 20 कितना लिखा हुआ है, 25 मोर देन, मतलब 100 एम्प्लॉई हो जाएंगे। ये 25 मोर देन 80 का 125% है, देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 20 से चौके 20 से 25, और ये हो जाएगा 25 बार में, मतलब मैंने 100 बताया था, सही बताया था क्योंकि 20 आया था ना, तो 20 ऐड कर दिया 80 में से। उसके बाद सेल्स में हो गया 100 एम्प्लॉई। उसके बाद यहाँ पे सेल्स में पूछा गया 100 एम्प्लॉई हो गया। ठीक है, उसके बाद रेशियो बिटवीन द एम्प्लॉई वर्किंग इन सिक्योरिटी एंड हाउसिंग इज 4:5। अब यहाँ लिख लीजिए सिक्योरिटी और हाउसिंग, हाउसिंग कितना दिया हुआ है, 4:5। इसके बारे में रिमेनिंग में हो जाएगा सिक्योरिटी और हाउसिंग, तो सब डिपार्टमेंट हो गया, कितना हो गया टोटल, टोटल 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 यहाँ पे 360 हो गया टोटल। अब HR में 80 है और यहाँ पे कितना है, फाइनेंस में 90 है, मतलब 170, मतलब टोटल हो गया 270, 270 में से 90 जाएगा, 270 में से 90 जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाकी 270 में से 90, 270 360 में से जाएगा तो 90। ठीक है, रिमेनिंग हम लोग लिख लेते हैं, रिमेनिंग रिमेनिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 माइनस में 270, मेरे पास जगह कम है दोस्तों, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या निकालना है, अब आप लोगों को निकालना है, यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ ना क्योंकि नीचे जगह है हम लोग के पास। ठीक है, थोड़ा सा हम जगह बना सकते हैं, देखिएगा। अब शायद आप लोग को दिख रहा होगा, जो 270 आप लोग को नहीं दिख रहा था वो दिख रहा होगा। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी दो डिपार्टमेंट जो है ना, कि कौन सा है, एस मतलब क्या लिखा हुआ है, एस मतलब सिक्योरिटी, तो SC लिख लेते हैं। तो सिक्योरिटी में कितना हो जाएंगे, सिक्योरिटी में हो जाएंगे 90 का 4/9, मतलब 40 एम्प्लॉई सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में 40 एम्प्लॉई हो जाएंगे। और हाउस क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी रेशियो हाउसिंग डिपार्टमेंट,
वहाँ हो जाएंगे 50 एम्प्लॉई। ठीक है, तो ये पूरा डेटा हमने निकाल लिया, तो ये डेटा आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्किंग एम्प्लॉई एचआर डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन द एम्प्लॉई वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। एचआर का देखिए, एचआर में कितना 80 है, एचआर में कितना 80 है, और किसका किससे ज़्यादा निकालना है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी में कितना, सिक्योरिटी में 40 एम्प्लॉई है, ये दिख रहा होगा, सिक्योरिटी में टोटल 40 एम्प्लॉई है, तो कितना ज़्यादा है ये आपको निकालना है। ठीक है ना, कितना ज़्यादा है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए, एक टेबल बना ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने तरीका बता दिया कि कैसे कैसे मैंने बनाया, अब इसका एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, आप बनाते जाइएगा, पहले टेबल बना लीजिएगा, उसमें टेबल में सजाना है आप लोग को। ठीक है, ऐसे करके एक टेबल बना लेते हैं जिसमें सेल्स से पहले रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे एचआर रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी रखते हैं, एससी रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हाउसिंग रखते हैं, एचएस रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे टोटल टोटल। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल, ठीक है, ये आप लोग दिख रहा होगा, अब यहाँ पे डेटा को फिल कीजिएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये निकाला था हमने, ये 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 50 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 360 अभी हमने निकाला था, तो ये भी हमने लिख लिया, सब डेटा लिख लिया। अब हम लोग से पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन द एम्प्लॉई वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो एचआर में 80 है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कितना है, सिक्योरिटी मुझे ये दिख रहा है 40 ज़्यादा है। ठीक है ना, तो 80 में से क्या जाएगा, 40 जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, सिक्योरिटी बाद में आया तो सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में गुना में 100 करेंगे, तो 40/40 हो जाएगा, मतलब 100% आ जाएगा, 100% ज़्यादा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जो लास्ट में दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, जिनको 35 में से 35 लाना उनके लिए अच्छा ये क्वेश्चन है। ओह सॉरी, मैंने मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन सेल्स फाइनेंस एंड हाउसिंग। तो मुझे फिर से लिखना होगा, गलती से मैंने पूरा मिटा दिया, ध्यान देना था मुझे। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको, और ये ऐसे, ये ऐसे, पहला में क्या लिखा हुआ है, सेल्स लिखा हुआ है, फाइनेंस लिखा हुआ है, उसके बाद एचआर लिखा हुआ है, सेल्स फाइनेंस एचआर सिक्योरिटी हाउसिंग टोटल, तो ये 40 लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइनेंस में 90 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग एम्प्लॉय सेल्स फाइनेंस और हाउसिंग। सेल्स फाइनेंस हाउसिंग का अगर देखेंगे तो 100+90+50 बटे में एवरेज निकालना है, तो 3 से भागा देंगे, मतलब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो 80 हो जाएगा, क्योंकि 240 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन गया, चलिए इसी पे अगला क्वेश्चन बनाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन हाउसिंग डिपार्टमेंट इज हाउ मच मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो कितना ज्यादा है हाउसिंग डिपार्टमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट कितना है ये, और ये 40, तो ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा है, 10 से 50 में से 40 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 एम्प्लॉई ज्यादा है, यही आपसे पूछा गया है, तो ये तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं, देख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे, अब क्वेश्चन आसान आएंगे इस पे। इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 40% आर फीमेल एम्प्लॉई, 20 मेल एम्प्लॉई इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मेल एम्प्लॉई निकालना है, तो कितने परसेंट हो जाएंगे, 40% अगर फीमेल है तो मेल कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अब सिक्योरिटी में देखिए 40 है, तो 40 का 60% कितना हो जाएगा, 40 का 60% हो जाएगा 24, 40 का 60% क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, देखिए आंसर में ऑप्शन नंबर ई में दिया है 24। तो क्वेश्चन देखिए, देख के बनने वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी नहीं करना है। अब देखिएगा, रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉई इन एचआर डिपार्टमेंट इज 2:3 हो जाएगा। एचआर डिपार्टमेंट में कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया है, मेल इज टू फीमेल का। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, तो एचआर डिपार्टमेंट का पहले डेटा लिखिए, टोटल एम्प्लॉई लिखिए, टोटल एम्प्लॉई एचआर डिपार्टमेंट में कितना, 80 है, टोटल एम्प्लॉई कितना, 80 हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, मतलब 3/5 हो जाएगा, 16 बार में कटेगा, मतलब ये फीमेल कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 होगा, मैंने गलती से नहीं निकाला है ना, पहले मेल है कि फीमेल है, पहले मेल है, तो सही किया मैंने, 48 किया है मैंने, सही किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 48, क्योंकि रेशियो दिया था मेल इज टू फीमेल 2:3, टोटल हो जाएगा 5 और फीमेल है 3,
तो 3/5 है, 80 का निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48। तो ये भी क्वेश्चन हमने दोस्तों काफी आसानी से बना लिया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिएगा, टाइप यहाँ दोस्तों चेंज हो रहा है। टाइप यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पैसेंजर, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर मतलब है, टाइप चेंज हो रहा है यहाँ पे। ये आ गया कौन सा, लाइन ग्राफ आ गया। ठीक है, लाइन ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है जिसमें क्या शो किया है, पैसेंजर ट्रेवलिंग ए बी सी डी ई डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, अलग अलग कंपार्टमेंट में ट्रेवल करते हैं 5 पैसेंजर ए बी सी डी ई तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ टोटल पैसेंजर इन ई आर व्हाट परसेंट लेस देन टोटल पैसेंजर इन ए। ठीक है, कितना परसेंट कम है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा, हम लोग को निकालना होगा कि ई में कितना है। तो ई में ध्यान से देखेंगे तो ई में कितना 36 है, ई में कितना है, ई में कितना है, यहाँ पे 33 दिख रहा है ना, ई में 33 दिख रहा है और ए में 36 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ए में 36 और ई में 33, ये दिख रहा है मुझे। अब आपसे पूछा गया कि व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ ए के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है। तो ए इन दोनों को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 36 नीचे चला जाएगा, गुना 100 कर देंगे, यहाँ 12 बार में कटेगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 से कटेगा 25 बार में, 3 बार में 25/3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 25/3, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 8.1/3% लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। ये डीआई चेंज हो गया अब, ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर ए सी ई। तो केवल लाइन ग्राफ जो होता है वो दोस्तों बहुत आसान होता है, केवल आपको क्या करना होता है, डेटा को थोड़ा ध्यान से देखना होता है लाइन ग्राफ में। ठीक है, तो ए का जब डेटा देखिएगा तो अभी लिखा था हमने, ए का डेटा लिखा था 36 लिखा था, सी का डेटा लिखा था, सी का ए सी ई 27 हो जाएगा और ई का भी लिखा था 33 लिखा था, इसको 3 से भागा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 69/3 हो जाएगा, 96/3 मतलब कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पैसेंजर इन बी टू द ए टू डैट डी। तो बी और डी का क्या हम लोग को निकालना है, रेशियो निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चों जैसा है, केवल मैंने बताया कि डेटा टेबल को आपको अच्छे से देखने आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग को देखना है कि डी का कितना वैल्यू दिया हुआ है। डी का देखिएगा 18 दिया हुआ है और बी का 18 दिया हुआ है, बी का देखिएगा 18 दिया हुआ है। ठीक है, बी का कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ है, बी 18 दिया हुआ है, डी का देखिएगा डी दिया हुआ है 22। अब दोनों को काटिएगा 2 से 9 बार में 11 बार में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9:2 में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 9:2 में, नहीं दिख रहा आप लोगों को, नीचे मैं लिख देता हूँ 9:11 हो जाएगा। ठीक है ना, 9:11 हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से हमने बना लिया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। टोटल पैसेंजर इन सी एंड ई टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। तो कितना परसेंट ज्यादा है ए की तुलना में, तो जो परसेंटेज निकालेंगे हम ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो सी और ई का अगर टोटल लिखना चाहे तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है सी प्लस में ई टोटल अगर लिखे तो 27 प्लस में 33 कितना हो जाएगा, 27 प्लस में 33 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 27 प्लस में 33 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है ना, हम लोग को 60 ए के तुलना में, तो ए का कितना निकाले थे शुरुआत वाले क्वेश्चन में 36 निकाले थे, अपॉन में ए के तुलना में परसेंटेज निकाल देना है, गुना में 100 कर देंगे मतलब 24/36 हो जाएगा, 24/36 से गुना में 100 हो जाएगा, 12 दुना हो जाएगा, 12 तिया हो जाएगा। जब इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 200/3 आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा 200/3 मतलब 66.2/3% निकल जाएगा आपका आंसर, 66.2/3%। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पे मैंने परसेंटेज का 100 लिखा है जो कि आप लोग को नहीं दिख रहा है, परसेंटेज का 100। ठीक है,
ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने परसेंटेज का सॉ लिखा है, काटा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा गैप लेके लिख देता हूँ, यहाँ पे गुना में 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 24/36 आ जाएगा, गुना में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब वे आप लोगों को दिख रहा होगा, अब ये 12 दुना हो जाएगा, 12 तिया हो जाएगा, और ये आ जाएगा 66.2/3% आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 66% 2/3। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बी सी डी टुगेदर। बी सी डी टुगेदर, बी कितना है यहाँ पे देखिएगा, बी सी डी, तो यहाँ पे बी सी डी एक साथ आपको टोटल निकालना है, तो केवल जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। तो इस चीज को हटा देता हूँ मैं, ठीक है, केवल ऐड करना है। हम लोगों को क्या ऐड करना है, ध्यान से देखिएगा, बी प्लस में सी प्लस में डी, बी सी डी। अब यहाँ पे ऐड कीजिए, 18 + 27 + 22, मतलब आंसर आ जाएगा 67। कितना आ जाएगा, 67। तो दोस्तों लाइन ग्राफ भी हमने बना लिया। अब दोस्तों अगला टाइप देखिएगा, बहुत ही अच्छा टाइप है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहले इस बार ग्राफ को समझते हैं। ये लाइन ग्राफ के जैसा ही होता है, इसमें आपको 6 से 6 स्टोर दिया हुआ है, जो कि अलग अलग बुक को सोल्ड करता है, ठीक है ना। 15 अप्रैल 2015 को सोल्ड करता है और अलग अलग डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोटल बुक सोल्ड बाय स्टोर टी 15 अप्रैल 2015, ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल बुक है सोल्ड बाय यू 15 अप्रैल 2015। मतलब सेम डेट है यहाँ पे, केवल आपको देखना है कि कौन किससे ज्यादा है और कितना परसेंट ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टी कितना बेचता है, टी बेचता है 180 बुक बेचता है, टी कितना बेचता है, तो 180 बुक बेचता है, ठीक है। टी कितना बेचता है, 180 बुक बेचता है, ठीक है। और वहीं पे यू कितना बेचता है, तो यू 100 बुक बेचता है, यू कितना बेचता है, 100 बुक बेचता है, और यू बाद में दिया है, तो यू के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल देंगे, गुना में 100 कर देंगे, 80/100 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 80%। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना दिया। ये परसेंटेज का आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम कैमरा को थोड़ा सा मूव करते हैं, अब आप लोग को दिख रहा होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने बना लिया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड अ डिफरेंस है, फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बुक है सोल्ड बाई आर एंड एस से। आर और एस का निकालना है, तो आर और एस का डिफरेंस निकाल लीजिए, आर प्लस में एस से एवरेज निकाल लीजिए। पहले आर और एस का एवरेज कितना होगा वो पहले निकालिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120 + 90, 120 + 90 हो जाएगा आर और एस से, बटे में 2 हो जाएगा। सॉल्व करके लिख लीजिए, सॉल्व करके लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसको सॉल्व करके, तो ये कितना आ जाएगा, 120 + 90 210 हो जाएगा, मतलब 105 आ जाएगा। तो ये तो हमने निकाल लिया एवरेज। उसके बाद लिखा हुआ है आर एस का एवरेज निकल गया, एंड एवरेज ऑफ क्यू और यू, क्यू और यू का भी एवरेज निकालना है, तो क्यू प्लस यू उनका भी एवरेज निकालना है, तो कितना हो जाएगा क्यू और यू का, 60 + 100 हो जाएगा, 60 + 100 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। एवरेज के लिए 2 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा कितना आपके पास, ये आ जाएगा 160, 160 मतलब 80 आ जाएगा। तो दोनों हमने निकाल लिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 105 में से 80 को घटाइएगा तो अंतर कितना निकलेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 105 - 80 कितना आ जाएगा, 25। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने दोस्तों अच्छे से बना लिया। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। टोटल बुक सोल्ड बाई स्टोर आर ऑन 15 अप्रैल, मतलब स्टोर आर 15 अप्रैल 2015 इज व्हाट परसेंट मोर देन लेस देन टोटल बुक टी ऑन 15 अप्रैल 2015, मतलब है आर और टी के बीच में परसेंटेज में, मतलब कितना परसेंट कम है वो निकालना है। तो टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग आर को देखेंगे ना, किसका पूछा गया, आर का, तो आर का कितना दिया हुआ डेटा, अभी यूज किया था हमने, आर का लिखा हुआ है 120, आर का लिखा हुआ है 120 है, और क्या लिखा हुआ है, और टी का लिखा हुआ है क्या, और टी का कितना लिखा हुआ है, टी का लिखा हुआ है यहाँ पे आर का 120 लिखा हुआ है, ठीक है, आर का 120 और टी का 180 लिखा हुआ है, टी का 180, दोनों के बीच में गैप लिखेंगे 60 आ जाएगा। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है हम लोग को, 180 के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब टी के रिस्पेक्ट में, गुना में 100 करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
सौ बटे में यहाँ पे 3 बार में कटेगा, 100/3 मतलब परसेंटेज निकालेंगे तो 33 पूर्णांक में 1/3% है आपका आंसर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने अच्छे से बना लिया। आगे देखिएगा, टोटल बुक है सोल्ड बाई टी 15 मई 2015। अब यहाँ डेटा कितना का दिया है, 15 अप्रैल 2015 का दिया हुआ है, बट यहाँ पे 15 मई 2015 का निकालना है आपको। 20% मोर देन दी टोटल बुक सोल्ड बाई सेम स्टोर 15 अप्रैल 2015, मतलब टी का जितना बुक सोल्ड होता है ना 15 अप्रैल को, उसका 20% ज्यादा है 2000 मई का, अप्रैल का लिखिए, टी का डेटा लिखिए तो अप्रैल का कितना है, अप्रैल का डेटा लिखिए टी का, ये कितना है 180 है शायद, और यहाँ टी का वही डेटा लिख लीजिए मई का, मई का डेटा लिखेंगे अप्रैल के बाद मई आता है, तो 180 का कितना परसेंट हो जाएगा, जगह है हमारे पास कम जगह है, 180 का कितना परसेंट हो जाएगा, 120%, 20% ज़्यादा बोला गया है, 1 0 से 1 0 हो जाएगा मतलब 216 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया 216। अब देखिएगा आगे क्या पूछा गया है, देन फाइंड टी 15 मई, तो यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 216 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था, और इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और भी देख लेते हैं कि और भी क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, टाइप भी हमारे खत्म हो गए। तो प्रीलिम्स में दोस्तों इतने ही टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में इतने ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के प्रीलिम्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे डेटा इंटरप्रिटेशन से डीआई के, सभी टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए। इससे ज्यादा लेवल हार्ड नहीं होगा, इसका 60% लेवल होगा, जो मैंने आपको बताया जैसा क्वेश्चन, इससे भी बहुत ही ज्यादा आसान होगा। आराम से 3 मिनट में, 2.5 से 3 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाने वाले हैं आप डीआई के, बहुत ही आसान कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान होंगे, 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने बता दिया डीआई के, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से सॉल्व भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।